इस वीडियो में हमने सबसे मुश्किल काम करा है, वो है केदारनाथ को बाय बाय बोलना। तो जब भी मैं केदारनाथ आती हूँ, सबसे मुश्किल मुझे चढ़ाई से भी ज्यादा मुश्किल लगती है यहाँ से वापस जाना, क्योंकि यहाँ 2-3 दिन बिताने के बाद ऐसा लगता है कि ये जगह ना हमारे अंदर बस चुकी है। बोलते हैं ना कि केदारनाथ से तो वापस आ गए, लेकिन केदारनाथ हमारे अंदर से वापस नहीं जा रहा। तो सेम सिचुएशन हमारे साथ भी है। तो नम आंखों के साथ निकल चुके हैं हम वापस घर जाने के लिए। तो यहाँ तक का सफर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो सुबह सुबह का समय है, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम गौरीकुंड आए हैं। तो ये हमारा होटल था और हम रात को यात्रा करके यहाँ पे आए थे, और पीछे नदी की आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। हमारे रूम में ना ठीक पीछे मंदाकिनी नदी है, तो इतना शोर है ना नदी का। और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, चेकआउट कर रहे हैं। तो अब यहाँ से जाएंगे ऋषिकेश, फिर ऋषिकेश से जाएंगे दिल्ली। तो पहले नाश्ता कर लेते हैं फिर चलते हैं। बाकी मैं रूम फिर से दिखा देती हूँ आपको, जो हम खाली कर चुके हैं। यह इसका बाथरूम था और ये रूम था, और इसमें ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 बेड है। चलो अब, और ये कार्ड है हमारा जो हम यहाँ देने के लिए आए थे, तो हमने ये दे दिया, ये काम हो गया हमारा। चलते हैं घर जाने की बारी, चलिए लेट्स गो। पहले कुछ खा लेते हैं। हाँ यार ये से रख लो, ये रख लो आप, काम आएगा। पेपर सो क्या तीन तो, अच्छा तो चलो यार चलते हैं। सामने का व्यू देखो, ये हमारे रूम के बाहर का व्यू है, ये देखो इनको देखो। रूम से हम चेकआउट कर चुके हैं, अब कुछ खाएंगे, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारे पराठे बन रहे हैं, और आंटी हमें शौक से देख रही है कि लड़की करके आ रही है। तो यहाँ आंटी पराठे बना रही है, और यहाँ सारे भूखे चेहरे, एक ये चेहरा। भूख लग रही है आपको ना? आंटी का साथ में ही होटल है, तो हम वहाँ पे ही खाना खाया, और रात को भी खाया था हमने खाना, लेकिन रात को ब्लॉग नहीं करा था। और रात को क्या गजब खाना था, मतलब ऐसा लग रहा था कितने दिनों बाद हमने खाना खाया, और कल सोते हुए भी ऐसा लग रहा था कितने दिनों बाद हम सोए हैं। यात्रा होती समाप्त। तो गौरीकुंड में, हम गौरीकुंड से गौरीकुंड में हैं हम, अब यहाँ से निकल रहे हैं सोनप्रयाग के लिए। तो चले, शंकर भगवान ने की जय। चलो कस्तूरी, ये बाल बाल बताओ, कस्तूरी है दीदी है। कस्तूरी मतलब बारह सिंह हिरण का नाभि से निकलता है, खुशबू के लिए रखा जाता है कपड़ा में, पेटी में। अच्छा ये नाभि से निकलता है, देखो ना खुशबू लेके सुहाना पकड़ना, ये ऐसा देखो ऐसा। अरे हिरण वाली, हाँ हिरण वाली, बारह सिंह हिरण के नाभि से निकलता है कस्तूरी। कपड़ा में भी देखो, नीचे रखो बैग ऐसा, कपड़ा में भी देखो, एक कपड़ा में रखोगे हजारों कपड़ा में खुशबू। करते क्या है, पेटी में बस कपड़ों में रख दो, कपड़ा में रख दो, सूटकेस में, अलमारी में, पेटी में रख दो इसको, फिर बस खुशबू रहेगा। खांसी सर्दी दमा के लिए काम आता है। अच्छा ये असली है, लेकिन असली है, फिर क्या डुप्लीकेट। नहीं नहीं इसका डुप्लीकेट में आया है। कितने का ये जोड़ा का? 1100। ये देखो यार ये तो जादू है यार, मतलब अरे कस्तूरी है यार, दूसरे आदमी को खुशबू आ जाएगी आपकी, स्मेल करता है सर ऐसा। अरे हिरण की वो है, हत्ता जोड़ी है ये, हैं कस्तूरी, कस्तूरी हत्ता जोड़ी तो होगी। हां हत्ता जोड़ी है, इसमें क्या होता है? पूजा के लिए रखा जाता है। अच्छा ये तो पूजा तांत्रिक मंत्र पूजा पूजा के लिए होता है, ये तांत्रिक पूजा के लिए है। ये तो सूटकेस में अलमारी में रखो, 20 साल भी रख ले तेरे को चाहिए, ये है क्या चीज, मतलब किसकी? हिरण की, हिरण की है वो, है ना मस्ती का, वो नाभि का होता है जो उसका रहता पूरी जिंदगी, कहां से आ रही है उसके ही खुद अंदर होता है। अच्छा रो ढूंढ रहा है, लोग निकाल लेता है दीदी, कट करके निकाल लेता है, मार देते हैं, मारते नहीं, जब मर जाते हैं ऐसा बच्चों का नाल गिर जाता है उसी तरह। ये भी तो यार हमने ली नहीं, क्योंकि हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है, इन्होंने हमें बताया। बताओ क्या यही क्या बोलते हैं, हत्ता जोड़ी, कस्तूरी, हिरण की कस्तूरी, सुगंधित प्रोडक्ट, सुगंधित प्रोडक्ट। लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि ऐसे रखना भी नहीं चाहिए ना घर में। अच्छा तो इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी होता है ना। हाँ तो लेकिन यार बड़ा मजेदार है यार, एक हाथ मेरे को असरदार है, असरदार है। हाँ
अभी तक स्मेल आ रही है, अभी तो खुशबू आ रही है हाथ से। अरे यहाँ से नीचे से आ रही स्मेल। हाँ चलो कोई नहीं, कोई नहीं, अगली बार इसका स्टडी करके फिर लेंगे, डेफिनेटली विल बाय, क्योंकि बिना कुछ सोचे समझे बिना स्टडी के लेना भी बेकार है ना। हाँ। घर वाले भी फिर तरह तरह की कोशिश करेंगे कि तुम क्या टोने टोटके में भी पड़ गए। देखा है ना टोने टोटकों में, मतलब है तो चीज ये पॉजिटिव, पर लोग ने इसको नेगेटिव उसमें यूज करने लगे। यार मेरे को तो पता नहीं था, मोल लेना। अच्छा वो कहते नहीं वो जो दो दिन में अपना प्यार वापस पाए। हाँ। तरह तरह के वो तांत्रिक बाबा वो इन चीजों का तो प्रयोग करते हैं, कि सुगंधित वो है तो इससे अट्रैक्ट होती है ना वो एनर्जीज, इसलिए। तो ये नदी जो आप देख रहे हो ना, ये है मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ मंदिर के पास से बहती हुई आ रही है, और बद्रीनाथ से बहती हुई आती है अलकनंदा नदी। तो इन नदियों का भी संगम होता है, जैसे कि देवप्रयाग में संगम देखा था ना आपने, सेम उसी तरह से जो यात्री ऊपर जा रहे हैं ना उनको देख के इतनी खुशी मिल रही है, मन करे कि इन लोगों के साथ वापस जुड़ जाऊं, कि एक बार फिर से यात्रा करके आऊं। यहां पे जितनी मर्जी बार यात्रा कर लो मन ही नहीं भरता। तो चलो सबको जाना ही है, और थोड़े दिन में बाबा भी चले जाएंगे। 15 तारीख को डोली नीचे आ जाएगी और कपाट हो जाएंगे बंद। तो अगर आपको केदारनाथ बाबा के दर्शन करने हो तो ओखी मठ में ओमकारेश्वर टेंपल के अंदर आप दर्शन कर सकते हो। जब 6 महीने मंदिर बंद रहेंगे तो आपको वहां पे दर्शन करने को जरूर मिलेंगे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो जितनी एक्साइटमेंट के साथ हम यहाँ आए थे ना, उससे ज़्यादा दुखी होके हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से किसी का भी यहाँ से जाने का मन कैसे कर सकता है। जब मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि समय बीत ही नहीं रहा है, और अब ऐसा लग रहा है कि समय इतनी जल्दी क्यों बीत रहा है। खैर जाने के बाद यहाँ से सिर्फ 6 महीने बीतने का इंतज़ार होगा, कि 6 महीने कब बीतेंगे और हम यहाँ फिर से कब आएंगे। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो दूजा हाथ लगाना। तो 15 तारीख को कपाट हो जाएंगे बंद, और अब फिर 6 महीने बाद खुलेंगे कपाट। तो वैसे तो हम कपाट खुलने पे और बंद होने पे आते हैं, और कोशिश है कि अगले 6 महीने बाद फिर से आएंगे ना हम 6 महीने बाद। हम तो आएंगे उधर कुछ कंफर्म। आओ आओ आएगा, ये वीडियो मैं सेव करूंगी। आएगा। तो ये है सोनप्रयाग मार्केट। तो अगर आप यहाँ आते हो तो सोनप्रयाग में भी आप अपने होटल्स बुक करके स्टे ले सकते हो, और सोनप्रयाग से ही कटता है रास्ता त्रियुगी नारायण टेंपल का। तो अगर आपके पास समय है तो त्रियुगी नारायण टेंपल जरूर जाना। और पीछे है मेरे रास्ता त्रियुगी नारायण मंदिर का, जहाँ पे शिव पार्वती जी का विवाह हुआ था। तो दोस्तों आप मेरे पीछे देख सकते हो जो आपको गाड़ियाँ नजर आ रही है ना, ये सोनप्रयाग की पार्किंग है। तो अगर आप गाड़ी से आते हो ना तो आप सोनप्रयाग में अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हो, इसके बाद आगे कोई भी पार्किंग नहीं है। इसके बाद ना आपको टैक्सी से ही जाना पड़ेगा, किसी की पर्सनल गाड़ी अलाउड नहीं है। ये देखो ये रही सोनप्रयाग की पार्किंग, इसके बाद गाड़ी अलाउड नहीं है आगे। तो यार शाम के 6 बज चुके हैं, हम पता है इतनी देर से ना यहाँ पे वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने गाड़ी करी, बस यहाँ पे सुबह चलेगी, चल भी रही होगी हमें पता नहीं, लेकिन हमें यह था कि हम गाड़ी करते और आराम से ऋषिकेश पहुँचेंगे। ऐसा करते करते 6 बज गए, क्योंकि गाड़ी वाले भैया का ना टायर खराब हो गया था, फिर वो टायर लगवाने गए, और अब फाइनली गाड़ी आ चुकी है। तो अब गाड़ी से जाएंगे अपना ऋषिकेश आराम से। अब ऋषिकेश पहुँचते ही हम 8-9 घंटे में पहुँचेंगे, मतलब आधी रात हो जाएगी, और फिर सुबह दिल्ली की बस में बैठेंगे। तो हो सकता है कि हम त्रिवेणी घाट गंगा स्नान करके भी जाएं। तो हमारे प्लान ना बढ़ते जा रहे हैं। बज चुके हैं और अभी हम पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग। तो खाना, भूख लग रही थी सुबह से, हमने एक ही बार खाना खाया था। तो अंकल को हमने बोला कि अंकल जहाँ पे सबसे अच्छा खाना हो ना वहाँ रोक देना, तो अंकल ने इस जगह पे रोका है। तो चलो देखते हैं कि खाना कैसा होगा यहाँ पे।
और वैसे तो बहुत सन्नाटा है यहाँ पे। देखो चिड़िया की आवाज़ आ रही है, मैं चुपूंगी ना, देखो। चलो यार पहले खाते हैं, देखते हैं। ये बताना हुआ, बताओ कैसे। अरे आप सादा। और ये क्या है हमारा पनीर बटर मसाला, मसाले की आएगा क्या। Few moments later. तो यार खाना खा लिया हमने, खाना बहुत ज्यादा अच्छा था, मतलब अच्छा था खाना। तो अब निकलेंगे यहाँ से। ना 11:30 बज रहे और हम पहुंचे इस समय संगम पे, देवप्रयाग संगम। तो मेरे पीछे संगम है, देखो हल्का हल्का दिख रहा होगा। तो अभी ना हम ऋषिकेश पहुंचने में समय लगेगा, इसलिए हम रुक रुक के चल रहे क्योंकि ड्राइवर अंकल को भी थोड़ी नींद आ जाती है ना, तो रेस्ट लेने के लिए। और ये लाइट है ना, ये जितनी भी प्रचार नहीं कर रहा, लेकिन ये मोदी जी ने बिल्कुल फ्री लगवा रखी है, रात भर जलेंगी। और रात भर देखो यार ये सामने ना, ये वाइट दिख रही है जितनी भी, ये मैं जूम करके दिखाती हूँ। ये ना एक यूनिवर्सिटी है, और जो बिल्कुल ना ऐसा लग रहा है समुंदर के अंदर ना क्रूज नहीं चलता। देखो सेंट्रल संस्कृति यूनिवर्सिटी कितनी सुंदर लग रही है ये सामने की तरफ, देखो बहुत ऊपर है ये, और नीचे संगम है। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है रात को संगम ना, ये देखो सामने लाइट्स और कलरफुल घर कितने प्यारे लग रहे हैं। तो यार सुबह के 4:15 हो चुके हैं और हम जा रहे हैं अब हरिद्वार से दिल्ली। तो वहाँ से दिल्ली क्या कह रहे हो, मैं नींद में हो रही हूँ। हम वहाँ से पहुँचे ऋषिकेश, ऋषिकेश के बाद हमने अपनी गाड़ी छोड़ी, फिर वहाँ से बस पकड़ी, बस से हरिद्वार आए। हरिद्वार में पूरी रात बस चलती है, तो प्लान तो हर की पौड़ी जाने का था, लेकिन ना यहाँ पे हरिद्वार में गंगा जी है ही नहीं, बिल्कुल सफाई की वजह से ना पीछे से रोक रखी है। तो इसलिए अब हम सीधा हरिद्वार से ना दिल्ली जा रहे हैं। तो अभी 4:45 हो रहे हैं और हम 8, 9, 10 बजे, 9 बजे तक या 8 बजे तक, 7 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो रोडवेज से जा रही है ये हमारी बस, सारे अंदर बैठ चुके हैं और मैं रह गई बस। चलो चलो। तो आई होप कि आपको यहाँ तक का सफ़र हमारा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपने पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो स्टोरी पूरी समझने के लिए पीछे के पार्ट्स ज़रूर देखना, आपको काफ़ी सारी नॉलेज मिलेगी यात्रा के बारे में। अब वो के ही 4 दिन से खाना नहीं है बेचारे, बच्चे ने खाना नहीं है।